तो ये जगह कभी नहीं आई थी, पहली बार आ रही हूँ। देखती है कहाँ है। Hello guys, good morning, welcome to or welcome back to my YouTube channel. So if you are new to my channel, then yes, you are watching Nirjala Nepal's vlog. So if you are watching my channel for the first time, please do subscribe and don't forget to click on the bell icon. So guys, आज वाला ब्लॉग क्या होगा कि मैं हिंदी में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नेपाली में ब्लॉग बना रही थी, वीडियोस डालती रहती थी, तो मेरा कुछ ऑडियंस है जो लोग नेपाली समझते नहीं हो ना, वो लोग ने मुझे कहा है कि हिंदी से बनाना। फिर मैं स्टार्ट करी हिंदी से वीडियो बनाने, फिर मैं हिंदी से बना रही थी तो अचानक मुझे हिंदी उतना ज़्यादा नहीं आता है ना, फिर मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं नेपाली से बना रही हूँ, बिकॉज़ नेपाली इज़ अवर मदर टंग लैंग्वेज, तो नेपाली तो बहुत अच्छा से बोलना आता है ना। फिर नेपाली में बना रही थी तो मेरा कुछ ऑडियंस मैसेज करके भेजा है कि वो लोग मुझे, मेरे को तो हिंदी में ही ब्लॉग बनाना, क्योंकि वो लोग को नेपाली समझ नहीं आते थे, आता है ना, सो वो लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो मैं आज फिर हिंदी से ही ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, मेरा चैनल को लास्ट तक देखते रहना और सपोर्ट करना, ठीक है। सो आज वाला ब्लॉग क्या होगा कि मैं जा रही हूँ, वैसे मैं आज जा रही हूँ सिक्किम का राजधानी, वो है गैंगटॉक, आप लोगों को पता ही होगा। मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ आपको पता है, मैं क्यों गैंगटॉक नहीं बोल के राजधानी बोल रही हूँ, क्योंकि गैंगटॉक बोलने से ना आप लोगों को बहुत वो पहचान, वो पहले ही आप लोग बहुत परेशान हो चुके होंगे वो गैंगटॉक वाला ब्लॉग देखकर, इसलिए मैं आज यूनिक नेम से बुला रही हूँ। सो गाइस, मेरा ब्लॉग को देखते रहना आप। मैंने बताई आप लोगों को कि मैं जा रही हूँ राजधानी, फिर आप लोगों को मन में लग रहा होगा क्यों जा रहे हूँ, तो मेरा व्लॉग को लास्ट तक देखते रहना। ये जो है ना मेरा ब्रदर है, हेलो हेलो बोल, तेरा नाम बोल ना, सुदर्शन शर्मा मेरा नाम, ये इसका नाम है सुदर्शन शर्मा, ये मेरा अपना भाई है, पर दिखने में भाई जैसा नहीं है, वो मेरा मेरे बड़ा भाई दिख रहा है, देखिए तो हाइट में बहुत डिफरेंस है ना। सो ये ना ग्राफिक डिजाइनर है, ये ग्राफिक डिज़ाइन बहुत अच्छा से करता है, मेरा जो ब्लॉग्स वगैरह होता है ना, वो कुछ कुछ होता है वो सब इसने डिज़ाइन करता है, मेरा सपोर्टर है ये, तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ राजधानी, वो क्या बोलते हैं कहाँ पर थे, नेपाली साहित्य, हाँ नेपाली, वो है ना नेपाली साहित्य परिषद में उसको इन्विटेशन कार्ड भेजा है उसको आने के लिए, फिर वो अकेले तो नहीं जा सकते, दिखने में सिर्फ इसका हाइट बड़ा है, इसका एज तो बहुत छोटा है ना, 15 इयर्स का है, मेरे से तो बहुत छोटा है, इसलिए ना मेरा घर का जो मेंबर्स है ना वो लोग हम लोगों को अकेले कहीं जाने नहीं देते, एक ना एक सिक्योरिटी गार्ड भेजते रहता है हमारा, तो मैं आज इसका बड़ी गार्ड जा रही हूँ, इसका बड़ी गार्ड जा रहा है। सो गाइस, मेरा ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहना और वहाँ जाकर इसको क्या बोलेंगे वो सब दिखाऊंगी, मैं सब दिखाऊंगी आप लोगों को, बस देखते रहना होगा बिना स्किप करके, ठीक है। वो कार आ रहा है, हम लोग इसी गाड़ी में जा रहे हैं, देखिए देखिए आप लोग, सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं संखोला, ये जगह भी आप लोगों को पता होगा शायद, हम लोग यही संखोला से ही उधर जाते हैं, सिंगताम नहीं जाते हैं ना, फिर हम लोग यहाँ से सीधा गैंगटॉक चले जाते हैं। आप लोग स्टे ट्यून, देखते रहना हमारा ब्लॉग। तो हम लोग रानी पुल से ऊपर चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो हम लोग बस में है ना, देखिए ना ऐसा ही होता है बस में, पहुंच गए हम लोग बस में आए थे ना, तो देख सकते हैं ये एसएनटी है, सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट कहता है एसएनटी का फुल फॉर्म है। हम लोग आज बस से आए हैं ना, क्योंकि फेयर बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग तो वैसे भी, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, सो लॉस होने का तो काम बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ प्रॉफिट होने का काम करती हूँ। देखिए, देख सकते हैं ये सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट प्लेस है, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर, बस में बहुत अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल भी होता है, अगर सीट मिल गया तो, अगर सीट नहीं है तो बहुत परेशान होता है, पर हम लोग तो लक्की थे ना, हम लोगों को तो सीट बहुत ज़्यादा था, हम लोग भाई और मैं था, हम लोग थे
प्रसिद्ध तो बहुत ज़्यादा था। एसएनटी के पास है हम लोग, अभी यहाँ पर पहुँच गए और हम लोग जाते जाते ये मनन केंद्र भवन भी पहुँच गए। ये जो नजारा है वो मनन केंद्र भवन है। यही रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं यही होगा या नहीं होगा। So finally we reach here, जहाँ आने के सोच रहे थे वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा हम लोग को, नेपाली साहित्य परिषद भवन। यो संस्करण म सानो हुँदाखेरि पढ्न पाएको थिएँ, म 10 कक्षामा थिएँ। सायद उदयचन्द्र वशिष्ठजीको एउटा श्रीमद् भागवतको कथाको एउटा किताब थियो र नेपाली अलिकति पढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दा म क्लास 10 हुँदाखेरि मैले त्यो पढेको थिएँ र त्यसबारे मैले धेरै जानकारी आफ्नो धर्मको बारेमा जान्न पाएको थिएँ। किनभने आजकल ये मेरा भाई है, ऑर्डर करके बैठा है पिज्जा खाने के लिए। देखो ये जब भी देखता है फोन में ही चल रहता है, फोन में यूज करता रहता है। और आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया और हम लोग घर वापस आ रहे हैं। सो गाइस, आज वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और हम फिर मिलते हैं
नेक्स्ट ब्लग पे. सो गाइस स्टे ट्यून और मेरे को सपोर्ट करते रहना. लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय गाइस.